वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम है। स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको भी सामना करना पड़ता है उस सब प्रॉब्लम्स का, तो एक बहुत डिस्टर्बेंस एक कम समय के लिए होगा। वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है एक तरफ से देखा जाए तो, ये होना ही चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट का प्रस्ताव जो मंजूरी हो चुका है, कई राजनीतिक दल हैं उनकी नाराजगी भी सामने आई है, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी मगध महिला कॉलेज में है। क्यों ना छात्रों से बात करें जो कि कम्पिटेटिव तैयारी करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि 1951 से 1967 तक 3 बार देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ में हुई, लेकिन उसके बाद तिलिस्म टूट गया। कहीं कहीं विधानसभा भंग होने के कारण से ये तिलिस्म टूटा और फिर आगे एक साथ चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन मोदी सरकार, ये कैबिनेट की मंजूरी है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र में इसे बहस भी रहेगी और इसे पास करा दिया जाएगा। हम बातचीत करते हैं कि करके हमारे साथ छात्र हैं, पीजी के छात्र हैं। आप इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनम राज लक्ष्मी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अगर जब चुनाव होते हैं, चुनाव बहुत लंबे समय तक जाते हैं, जिससे कई आम जनताओं को उससे समस्या सामना करना पड़ता है। जैसे अगर रैली हो रहा है तो जब नेता निकल रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट पूरा जाम हो जाता है। जैसे फिर कई ऐसे, मतलब जैसे हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो उस समय तक कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि सरकार अपना ही डिमांड रखते हैं कि आप अगर हमको वोट देंगे तो हम आपको ये बेरोज़गारी का ये देंगे वो देंगे, तो उस समय तक हमें बहुत वेट करना पड़ता है। और इलेक्शन के बाद वो अपने काम को फिर दिखाते हैं कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ ऐसा तर्क दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, जैसे देश भर में सब कुछ समस्याएं होती हैं इलेक्शन के वजह से, उसमें आम जनता भी परेशानियों का सामना करती है और जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी सामना करना पड़ता है उस सब प्रॉब्लम्स का, तो एक बहुत डिस्टर्बेंस एक कम समय के लिए होगा। उसमें होता है कि बच्चे फिर बाद में अपना ध्यान दे पाएंगे ज़्यादा पढ़ाई में, और वो फॉर्म्स होगा वो जो रेगुलर मतलब आते रहेगा, कंटिन्यूटी उसमें रहेगी, उसके वजह से रुकेगा नहीं वो। 3 मंथ जैसे कि लोकसभा चुनाव में 2 मंथ चले गया, उसमें सारे जितने भी सरकारी काम है सारे ठप हो जाते हैं, फिर विधानसभा चुनाव आते हैं फिर उसमें भी सारे ठप हो जाते हैं, तो क्या लोकसभा और राज्यसभा साथ में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तर्क इधर आइए, आप तीनों आप इधर आइए। तर्क इसमें ये दिया गया है कि फर्स्ट चरण में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव होगा, सेकेंड चरण में नगर निकाय और पंचायत का चुनाव होगा, क्या इससे आप लोग सहमत हैं? क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे लोग बच्चों का समय बचत होगा, हम लोग का सेशन डिले हो जाता है, एग्जामिनेशन वगैरह में काफ़ी डिले हो जाता है, और बस ये। कुछ ऐसा ठोस तर्क दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि लगे कि हाँ ये तर्क अच्छा है। इधर आइए आप, क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है एक तरफ से देखा जाए तो, ये होना ही चाहिए। वन इलेक्शन के 2 पहलू हैं, एक पहलू ये भी है कि आखिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगी तो क्षेत्रीय मुद्दा अलग होता है और राष्ट्र मुद्दा अलग होता है, लेकिन एक पहलू ये भी कहा जाता है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो टाइम की बचत होगी, पैसे कम खर्च होंगे, जो विकास है उसमें बाधा नहीं आएगी। हमारे साथ कई छात्र हैं, हमने पहले भी बातचीत की अभी भी बातचीत कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। एक साथ होगा तो जैसे आप कहे कि टाइम का बचत है, मनी का बचत, हर चीज़ का बचत है, लेकिन यहाँ पे यूनिटी नहीं है तो फिर होगा ही नहीं एक साथ। कुछ दल हैं, 62 राजनीतिक दल हैं, उसमें से 32 दल ने ये कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, कुछ दल हैं उसके विरोध किए हुए हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है कि आप लोग स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाता है, 3 मंथ आचार संहिता, कोई फॉर्म नहीं डाल सकते, ना कहीं एग्ज़ाम देने के लिए आप जा सकते, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ऐसे में क्या वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? क्योंकि टाइम का बचत होगा। टाइम का बचत होगा, क्या कहेंगे आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? जी होना चाहिए, इसलिए कि जो हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं जगह जगह ट्रैफिक लग जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में एंट्री नहीं करने देते हैं, इसलिए मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट ही नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, 5 मिनट की वजह से एग्ज़ाम देने नहीं दे रहा, बहुत दिक्कत हो रही है चुनाव के समय। जी हाँ, क्या कहेंगे आप इधर जाइए, वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। क्या जी? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन कई लोग कहते हैं कि राष्ट्र का मुद्दा अलग होता है, राज्य का मुद्दा अलग होता है। तो जैसे कि आप लोग भी वोट की होंगी, किसी को भी वोट की होंगी, हम मत नहीं जान रहे कि किसको वोट की होंगी आप, लेकिन राज्य का अलग मुद्दा होता है, राष्ट्र का अलग मुद्दा होता है, तो ऐसे में कैसे समझ क्या मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र का मुद्दा अलग होता है, राज्य का मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा पे आप लोग वोटिंग करते होंगे, तो क्या यह है ठीक रहेगा? ऑफ कोर्स ठीक रहेगा, नहीं ठीक नहीं रहेगा। कैसे ठीक नहीं रहेगा? क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। नहीं, मौका सबको मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है राष्ट्र का मुद्दा अलग होता है और राज्य का मुद्दा अलग, राज्य होगा जैसे कि अपने जो समाज में जो कर रहे हैं उसके बारे में हो गया। हाँ, तो उसके हिसाब से हम लोग को मतलब टाइम का मतलब वो ज़्यादा बचत किया जा सकता है। और क्या क्या कहेंगे जी? टाइम का बचत हो जाता। देखिए, देश में एक देश एक चुनाव का जो ये घोषणा किया गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, हम मगध महिला कॉलेज में थे, हमारे साथ तमाम छात्राएं थी, उनसे हम बातचीत किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका साफ तौर पर कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो 3 मंथ, अगर 2 मंथ लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता लागू होता है, 2 मंथ 3 मंथ फिर विधानसभा का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, नगर निकाय चुनाव होता है, ऐसे में एक स्टेट का 1 साल कहें तो चुनाव में ही चले जाता है और उस टाइम सारे काम ठप हो जाते हैं और सभी जो है इलेक्शन में लग जाते हैं। एक जिला के ही हम अगर उदाहरण लें तो वहाँ के जो भी जिलाधिकारी होते हैं वो चुनाव में लग जाते हैं, वहाँ के जितने भी विकास कार्य हैं वो ठप हो जाते हैं। तो ऐसे में मगध महिला कॉलेज में थे और यहाँ के जो छात्र हैं उनका साफ पर कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए देश में, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कम्पिटेटिव छात्र हैं, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो टाइम का बचत होगा, पैसा का बचत होगा और विकास का जो कार्य है वो तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैसेज नहीं पढ़ना, गड़बड़ कर देना, आप लोग बोले नहीं, आप लोग होम मैन कहना, आप लोग होम साइंस डिपार्टमेंट। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।